आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुरादाबाद के गांव मोहब्बतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से जिसकी दूरी 12 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 2000 वोटों वाले इस गांव की कमान नीरज पांडे ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है, लेकिन अभी भी क्या क्या समस्याएं यहां बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान की जबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक मुरादाबाद के गांव मोहब्बतपुर धब्बनपुर में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके विकास कार्य को लगभग पूरे हो चुके हैं कार्यकाल को। क्या क्या विकास आपने अब तक यहाँ गाँव में करवाया? काफी विकास कराए जी। और गांव में रोड रास्ते बनवाए जी। कितना किलोमीटर सीसी यहां आपने डलवाया होगा? टाइल्स लगवाई है, सीसी टाइल्स। सीसी टाइल्स कार्य आपने यहां करवाया? करीब लगवा दिए यहां करीब 1.5 किलोमीटर का। आवास यहां मिले हैं लोगों को? आवास भी मिले हैं। पेंशन वगैरह सब मिलती है? 60 साल अभी हमने बनवाई है। सरकार की जो योजनाएं चलती है केंद्र सरकार की, क्या उनका लाभ यहाँ सभी को मिल रहा है? सभी को मिल रहा है। सौभाग्य योजना और सब कुछ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड बने हैं। राशन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है? राशन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, राशन सभी को मिल रहा है जी। स्कूल पर क्या कार्य कर रहे हैं? स्कूल में जो अंदर सीसी टाइल्स वगैरह सब कुछ कराई है, और उसमें टंकी वगैरह सब कुछ कराई है, और जूनियर हाई स्कूल में बेंच वगैरह बच्चों को बैठने के लिए जरूरत है। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ बारात घर, पंचायत घर? नहीं, पंचायत घर और बारात घर नहीं है हमारे। शमशान घाट? शमशान घाट सांसद जी ने हमारे बनवाया है। यहाँ मुस्लिम समाज है? मुस्लिम समाज भी है। कब्रिस्तान बना हुआ है? हाँ, कब्रिस्तान भी है, बाउंड्री वगैरह सब हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है। आप अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि गांव का हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास हो जी। पैसा है, हम वैसे विकास कराएं गांव में जी। क्या यहाँ कच्चा रास्ता अभी भी है? हाँ, कच्चे रास्ते अभी भी है कुछ जी। कितने मीटर सीसी से वो पूरा हो जाएगा आपका गाँव? अभी करीब चाहिए काफी जो है। क्या यहाँ आवासों की आवश्यकता है अभी? आवासों की आवश्यकता? कितने लोग ऐसे होंगे, कितने मकान ऐसे होंगे बच्चे? अभी हैं 25-30 लोग हैं यहाँ गरीब पात्र अभी, जिन्हें आवास चाहिए। और कोई समस्या यहाँ गांव में महसूस करते हैं? नहीं, गांव में और कोई समस्या नहीं है। पंचायत घर बारात घर के लिए? आप वो उसके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो हम वो ले भी देते हैं। ग्राम समाज की जगह नहीं है? नहीं है। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी ने यहाँ गाँव में काफी विकास करवाया है बताया गया है, और कुछ समस्याएं भी अभी यहाँ मौजूद हैं। विकास में अगर हम देखें तो यहाँ सीसी कार्य, स्कूल पर भी कार्य करवाए गए हैं, आवास भी मिले हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो गया है। समस्याओं की तरफ यदि यहाँ नजर की जाए तो यहाँ की प्रमुख समस्या जो है वो पंचायत घर और बारात घर है, जिसका कारण यहाँ ग्राम समाज की भूमिका ना होना है। इसके अलावा यहाँ प्रधान मांग रखते हैं कि यदि सरकार इस गांव में पैसा थोड़ा और देगी तो ये उसे और ज्यादा विकास यहाँ अपने गांव में करवाएंगे। मैं नाजरीन अशरफ अली के साथ में नाजरीन टुडे 24 से। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम पारुल राजपूत है। इस विद्यालय में आप किस पद पर हैं? मैं इंचार्ज अध्यापिका हूँ यहाँ पे। अच्छा, प्रधान जी द्वारा यहाँ क्या क्या विकास विद्यालय में कराया गया है? प्रधान जी द्वारा यहाँ पे विद्यालय में काफ़ी विकास कराया गया है। यहाँ पे जहाँ ये हमारा कैंपस है, इसमें पहले बहुत रेत मिट्टी था, और बरसात के दिनों में हम स्कूटी भी नहीं ला पाते थे, फिसल जाते थे, टीचर्स गिर जाती थी, लेकिन उन्होंने उनके सहयोग से यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स का उन्होंने करवाया, जो आज हम लोग बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं। और ये टंकियाँ भी हमारे स्कूल में विद्यालय में लगवा रहे हैं वो, और उसका काम हमारा उन्नति पे है। और वैसे भी वो विद्यालय में टाइम टू टाइम आके स्कूल में देखते हैं और हमारी समस्याओं को समाधान भी करते हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, ये बताइए यहाँ अभी प्रधान द्वारा जो काम विकास कराया गया है गांव में, आप कहाँ तक से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। कितना विकास कराया है यहाँ पे? सड़क वगैरह ठीक ठाक? काफी विकास हुआ है गाँव में, शहरों में करीब करीब सारे गाँव टैक्स भिजवा चुके हैं। तो पिछले प्रधान था ज्यादा यहाँ? हाँ हाँ जी। ताऊ, क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। सर ये बताइए यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहोगे? विकास तो सर बहुत बढ़िया हुआ, पिछले प्रधानों से आगे हुआ है। एक रास्ता ही झटका गांव से पहाड़ भी जा रहा, वो आजकल जुड़ा प्रधान जोड़ गया, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बढ़िया। आप इनके कार्यों संतुष्ट हो? संतुष्ट है।